अंकुर की डिजी लेसन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1। इसमें हम समझेंगे घन और घनमूल। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। आपके लिए कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं में बताना है कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण रूप से घन है और कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो पहले सवाल में हम देखते हैं संख्या कौन सी है, 216। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से 216 के क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 216 के हमने गुणनखंड निकाले, तो सौ सोलह के गुणनखंड निकालने के लिए हम देखते हैं 216 में इकाई का अंक कौन सा है, 6 है जो कि सम है। तो इसलिए संख्या का गुणनखंड भी क्या होगा, एक सम संख्या होगी। तो 2 से भाग लगाया 216 में, 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं जा रहा, 0, तो कितने हो जाएंगे 16। फिर 2 से भाग लगाया, 2 अट्ठे 16। इसी प्रकार से फिर देखा कि इकाई का अंक कौन सा है, 108 में 2 है कि क्या है। तो 108 में इकाई का अंक देखा हमने क्या है, 8, जो कि सम है। इसलिए इसका गुणनखंड भी क्या होगा, एक सम संख्या होगी। तो 108 में भी हमने 2 से भाग लगाया, 2 पंजा 10 और 2 चौको 8। इसी प्रकार से 54 में देखा कि इकाई का अंक कौन सा है, 4 है, तो सम संख्या से ही भाग लगाया। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, तो 2 से भाग लगाया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देखते हैं कि 27 में इकाई का अंक कौन सा है, 7 है जो कि विषम संख्या है। तो इसलिए इसका गुणनखंड भी क्या होगा, एक विषम संख्या होगी। तो हमने 3 से भाग लगाया, 3 से क्यों लगाया, क्योंकि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, 3 होती है। 3 से भाग लगाया, 3 नाम 27। अब देखते हैं कि 9 किस प्रकार की संख्या है, विषम संख्या है। तो इसमें भी सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है उससे भाग लगा दिया, 3 तिरका 9, और 3 में 3 से भाग लगा दिया, 3 एकम 3। तो प्राप्त गुणनखंड कौन कौन से हैं, 216 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। चूँकि हम किसकी जांच कर रहे हैं, घन की जांच कर रहे हैं, तो घन में कितने के जोड़े बनते हैं, 3 3 के जोड़े बनते हैं या समूह। तो 3 3 अंकों के क्या बनाए जाते हैं, समूह बनाए जाते हैं। यहाँ पर अंक कौन सा है, 2, इसका एक जोड़ा बन गया। इसी प्रकार से अगला अंक कौन सा आया था, 3, इसका भी एक जोड़ा बन गया। तो इस तरीके से स्पष्ट होता है कि 216 के आवाज गुणनखंड के त्रिक बन जाते हैं, तो कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचता। यदि कोई सा गुणनखंड शेष बचता है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण घन नहीं होगी। अब हमने ये जो 216 के गुणनखंड निकाले हैं, इनमें देखते हैं कि जो गुणनखंड है उनके क्या बन रहे हैं, त्रिक बन रहे हैं, कोई भी संख्या शेष नहीं बचती है। इसलिए 216 एक पूर्ण घन संख्या होगी। इसी प्रकार से अगली संख्या देखते हैं, 128। तो 128 के सबसे पहले हमने क्या निकाले, गुणनखंड निकाले, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड कौन कौन से होंगे,
दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो। अब इन अंकों के हमने क्या बनाए? त्रिक बनाए, तीन तीन के समूह बनाए। तीन तीन के समूह बनाने पर एक अंक शेष बचता है। शेष बचता है मतलब कि दी गई संख्या कौन सी? 128। पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। आगे चलते हैं, थर्ड में कौन सी संख्या है? 1000। तो 1000 के भी हमने गुणनखंड विधि से क्या निकाले? गुणनखंड निकाले। तो कौन कौन से रहेंगे? 10 गुणा 10 गुणा 10। अब क्या बनाएंगे? त्रिक बनाएंगे। तो 10 कितनी बार है? 3 है, 3 बार है। तो इसके क्या बन जाएंगे? त्रिक बन जाएगा, एक समूह बन जाएगा। तीन तीन अंकों का एक समूह बन जाएगा। इस प्रकार से जो 1000 संख्या है यह भी पूर्ण घन होगी। आगे चलते हैं, फोर्थ में कौन सी संख्या थी? 100। 100 के हमने गुणनखंड विधि से क्या निकाले? गुणनखंड निकाले। 10 गुणा 10 में 10 गुणा 10 को भी तोड़ लिया हमने। 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5। अब हमने त्रिक बनाए मतलब कि तीन तीन अंकों के समूह बनाए। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 5 गुणा 5 समूह दो दो के पेयर में बन रहे हैं, जबकि हमारे लिए कितने के बनाना है? तीन तीन अंकों के समूह बनाना है। तो यहाँ पर तीन तीन अंकों का समूह नहीं बन पा रहा है। इस प्रकार से दी गई संख्या 100 पूर्ण घन नहीं होगी। अगली संख्या देखते हैं, 46656। इसके हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकाले। कौन कौन से प्राप्त होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार से निकालते जाते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 3 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हमने तीन तीन अंकों के समूह बनाए। तो तीन तीन अंकों के समूह पूर्ण रूप से बन जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 46656 एक पूर्ण घन संख्या होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो प्रश्न नंबर 2 में आपको कुछ संख्या दी गई हैं। पहली संख्या कौन सी है? 243। तो 243 के हमने क्या निकाले? गुणनखंड निकाले। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। गुणनखंड निकालने के पश्चात तीन तीन के समूह बनाए, तीन तीन अंकों के समूह बना लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 गुणा 3 गुणा 3, तो इनसे मिलकर एक त्रिक समूह बन गया। अब शेष बचे अंक कौन कौन से हैं? 3 गुणा 3। इनका त्रिक समूह नहीं बन रहा है, इसमें किसकी आवश्यकता है? इसमें एक अंक की आवश्यकता है, क्योंकि अंक क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो संख्या 243 में किसका गुणा करेंगे? कौन सी संख्या का गुणा करेंगे? 3 का गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर त्रिक समूह बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? 3 की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से 243 को यदि पूर्ण घन संख्या बनाना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा? 3 का। अगले प्रश्न में देखते हैं, संख्या कौन सी दी गई है? 256। तो
256 के आवाज गुणनखंड विधि से क्या निकाल लिए, गुणनखंड निकाल लिए। दो सौ छप्पन के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, दो गुणा 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 दो। अब इन अंकों के हमने क्या बनाए, त्रिक समूह बनाए, तीन तीन अंकों के समूह बना लिए। तीन तीन अंकों के समूह बनाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, दो अंक ऐसे हैं जिनके समूह बनाना संभव नहीं है। समूह बनाने के लिए क्या कर देते हैं, किससे दर्शा देते हैं, नीचे जो अंडरलाइन होती है ना उसके माध्यम से दर्शा दिया जाता है। अब यहाँ पर दो गुणा दो शेष दिख रहा है आपको, तो संख्या 256 में पूर्ण घन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, दो की आवश्यकता होगी। क्यों, क्योंकि संख्या दो का पूर्ण त्रिक समूह नहीं बन रहा है। यदि पूर्ण त्रिक समूह बन जाता है तो संख्या कैसी होती है, पूर्ण घन होती है। तो 256 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, दो से गुणा करेंगे। चलिए अगले चरण में कौन सी संख्या दी गई है, 72। तो 72 के सबसे पहले हमने क्या निकाले, गुणनखंड निकाले, कौन सी विधि से, आवाज गुणनखंड विधि से। तो कौन कौन से गुणनखंड निकले, दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन। अब हमने क्या किया, त्रिक समूह बनाए, दो गुणा दो गुणा दो इनका एक त्रिक समूह बन जाता है। शेष अंक कौन से रहते हैं, तीन गुणा तीन। तो यहाँ पर तीन गुणा तीन इसका त्रिक समूह नहीं बन रहा है। तो त्रिक समूह पूर्ण करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, एक अंक तीन की आवश्यकता होगी। तो संख्या 72 में किसका गुणा करेंगे, कौन सी संख्या का गुणा करेंगे, तीन का गुणा कर लेंगे। संख्या 72 को पूर्ण घन बनाने के लिए कौन सी संख्या का गुणा करेंगे, तीन। चलिए अगले चरण में फोर्थ क्वेश्चन, कौन सी संख्या दी गई है, 675। तो 675 में 675 के हमने गुणनखंड निकाले, कौन सी विधि से, आवाज्य गुणनखंड विधि से। तो कौन कौन से गुणनखंड निकलते हैं, तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा पाँच गुणा पाँच। तो इसके भी हमने त्रिक समूह बनाए, तीन गुणा तीन गुणा तीन इनका एक त्रिक समूह बन जाता है। शेष दो अंक कौन कौन से हैं, पाँच गुणा पाँच, इनका त्रिक समूह बनना संभव नहीं है। तो 675 को पूर्ण घन बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे, संख्या पाँच का गुणा करेंगे। आगे देखते हैं, आगे कौन सी संख्या दी गई है, 100। तो 100 के हमने आवाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकाल लिए, गुणनखंड निकाल लिए। कौन कौन से गुणनखंड निकले, दो गुणा दो गुणा पाँच गुणा पाँच। अब हमने इन आवाज्य गुणनखंडों के माध्यम से त्रिक समूह बनाए। अब यहाँ पर त्रिक समूह नहीं बन रहा है, तो त्रिक समूह बनाने के लिए किस किस की आवश्यकता है, दो और पाँच की आवश्यकता है। मतलब कि जो आपको संख्या दी गई है 100, इसमें आप कौन कौन से अंकों का गुणा करोगे, दो का गुणा करोगे और पाँच का गुणा करोगे, तभी ये संख्या पूर्ण घन बनेगी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। तो संख्या कौन सी है, 81
81 के हमने क्या निकाले, वर्णखंड निकाले, कौन सी विधि से, अवाच्य वर्णखंड विधि से। तो वर्णखंड कौन कौन से आते हैं, 3 × 3 × 3 × 3, चूंकि घन संख्या बनाने के लिए कौन सी संख्या का गुणा किया जाए ये इसमें पूछा गया है। तो घन के लिए या घनमूल के लिए हम किस किस के जोड़े बनाते हैं, 3-3 के समूह बनाते हैं या 3-3 के जोड़े बनाते हैं या त्रिक समूह बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, किसमें, गुणा में। तो यहाँ पर एक त्रिक समूह बन जाता है। तो कौन सा अंक शेष रहता है, 3। तो संख्या 81 को पूर्ण घन बनाने के लिए कौन सी संख्या का भाग देंगे, 3 का। क्यों, क्योंकि 3 क्या है, एक अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड है। आगे देखते हैं संख्या कौन सी है, संख्या 128। तो 128 की हमने गुणनखंड निकाले कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। कितने आते हैं गुणनखंड, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब हमने त्रिक समूह बनाए, त्रिक समूह बनाने के पश्चात एक अंक शेष रहता है, कौन सा, 2। तो जो शेष अंक है उसी का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, किसमें, 128 में। तो संख्या 128 पूर्ण घन बन जाएगी। आगे देखते हैं अगली संख्या कौन सी है, 135। तो 135 के भी हमने क्या निकाले, गुणनखंड निकाले, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कौन कौन से गुणनखंड निकल के आते हैं, 3 × 3 × 3 × 5। अब हमने त्रिक समूह बनाए, किसके बनाए, जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उन्हीं के बनाए। तो एक त्रिक समूह बन गया, किसका, 3 का। तो शेष अंक कौन सा है, 5। तो 5 का ही 135 में भाग लगा दिया। तो 135 को पूर्ण घन बनाने के लिए किसका भाग लगाएंगे, 5 का। चलिए आगे देखते हैं संख्या कौन सी है, 192। तो इसके भी हमने गुणनखंड निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि से और त्रिक समूह बनाए। त्रिक समूह बनाने के पश्चात कौन सा अंक शेष बचता है, 3। तो संख्या 192 में किसका भाग लगाएंगे, 3 का भाग लगा देंगे। संख्या 152 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का भाग लगा देंगे। आगे देखते हैं कौन संख्या है, 704। तो 704 के सबसे पहले गुणनखंड निकालें अभाज्य गुणनखंड विधि से। गुणनखंड निकालने के पश्चात त्रिक समूह बनाए। त्रिक समूह बनाने के पश्चात कौन सा या कौन सी संख्या शेष बचती है, 11। तो 11 का ही क्या कर देंगे, 704 में भाग लगा देंगे। 11 का ही 704 में भाग लगा देंगे, जिससे जो 704 संख्या है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या के रूप में परिवर्तित होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आप कॉपी और पेन के माध्यम से इन्हें हल करके देखें, अभ्यास करें, संभवतः आप इन प्रश्नों को हल कर पाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।